इंतजार के बाद एक बार फिर से वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। जंगल सफारी के साथ नए सत्र का शुभारंभ हो गया है। वीटीआर के वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक डॉक्टर नेशामणि के ने हरी झंडी दिखाकर जंगल सफारी को रवाना किया। इस दौरान रेंजर सुजित कुमार, फॉरेस्टर अभिषेक सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। पहले दिन वाल्मीकि नगर में कुल 12 पर्यटकों ने जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव लिया। इस दौरान बोकारो स्टील प्लांट के मैनेजर प्रमोद कुमार अपने परिवार के साथ जंगल सफारी के सत्र के पहले पर्यटक बने। वहीं इस बार नेचर गाइडों के लिए भी वन विभाग ने खास तैयारी की है। वन विभाग ने इस सत्र में स्थानीय नेचर गाइडों को प्रोत्साहित करने और उनके लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की पहल की है। विभाग गाइडों को विशेष प्रशिक्षण दे रही है ताकि हस्त निर्मित सामान के साथ शहद उत्पादन भी किया जा सके। दूरदर्शन समाचार के लिए पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट। बाढ़ से हुई क्षति का